तो आज हम बात करेंगे आयरन मैन वर्सेस शज़ाम। दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स में पावरफुल है, मगर इनमें कभी आमने सामने फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा। तो बिना किसी बकचोदे के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम दोनों की स्पीड के बारे में बात करेंगे। दोनों ही सुपर हीरो स्पीड में बहुत ही अच्छे है और दोनों ही सुपर हीरो उड़ सकते है, लेकिन आयरन मैन के पास उसका कवच ना हो तो वो उड़ नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर शज़ाम को पॉइंट मिलेगा। यहाँ हम एक्सपीरियंस की बात करें तो शज़ाम के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, और वहीं आयरन मैन के पास एक्सपीरियंस तो है पर शज़ाम जितने एक्सपीरियंस नहीं है। वहीं आयरन मैन अपनी गलतियों से सीखता है और वो गलती दोबारा नहीं दोहराता। शज़ाम के पास ज्यादा एक्सपीरियंस होने के कारण यह पॉइंट शज़ाम को मिलेगा। अगर हम पावर की बात करें तो दोनों ही सुपर हीरो के पास डिफरेंट पावर है। जहाँ शज़ाम के पास गॉड की पावर है, हमारे आयरन मैन के पास उसके लेटेस्ट नैनोटेक की पावर है जो इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के सामने लड़ाई में भारी पड़ा था। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा सुपर हीरो ज्यादा पावरफुल है, इसलिए दोनों के बीच टाई होगी। अभी हम इंटेलिजेंस की बात करें तो यहाँ पे शज़ाम के पास चाहे कितनी भी पावर हो पर वो आयरन मैन से इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। आयरन मैन अर्थ का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट सुपर हीरो है जो हमें मार्वल की मूवी में दिखाया गया है, और वो सबसे ज्यादा रिच भी सुपर हीरो है, इसलिए यह पॉइंट आयरन मैन के खाते में जाएगा। अगर हम एबिलिटी में शज़ाम की बात करें तो शज़ाम के पास बहुत ही ज्यादा अलग अलग डिफरेंट सुपर पावर है, जैसे कि वो किसी भी प्रकार के लैंग्वेज को या बोल सकता है, इसलिए वो यूनिवर्स में कहीं भी जाकर उसके बारे में स्टडी कर सकता है, और वहीं वो कई दिनों तक खाए और पिए बिना भी रह सकता है। शज़ाम के पास लाइटनिंग की पावर है, वो बिजली की पावर है उसके पास शज़ाम के पास। वहीं हमारे आयरन मैन की बात करें तो आयरन मैन के पास उसका गोल्ड टाइटेनिक से बना सूट है जिसको नुकसान या तोड़ना असंभव है। आयरन मैन के पास टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट सूट है जो इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के सामने भारी पड़ा था। आयरन मैन के नॉर्मल जो सूट आता है उसने थॉर की बिजली को सहन कर लिया था, इसलिए मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आयरन मैन विनर होता है, इसलिए इसको पॉइंट मिलेगा। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो शज़ाम के पास उसकी बिजली है और आयरन मैन के पास उसका सूट है। आयरन मैन का सूट बिजली से चलता है, इसलिए शज़ाम उस पर बिजली का अटैक करेगा तो उल्टा आयरन मैन का स्विच चार्ज हो जाएगा, क्योंकि वो हमने देखा है द एवेंजर्स मूवी में जो थॉर जब आयरन मैन के ऊपर बिजली का अटैक करता है तो आयरन मैन का स्विच फुल चार्ज हो जाता है, इसलिए यहाँ पर भी हम आयरन मैन जीतेगा, उसके लिए आयरन मैन को पॉइंट जाएगा। अब हम कॉम्बैट यानी कि आमने सामने की फाइट की बात करें तो सीधा है, इसमें शज़ाम जीत ही जाएगा क्योंकि शज़ाम के पास मल्टीपल पावर है और आयरन मैन उसका सूट के बिना कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आयरन मैन के पास उसका दिमाग है, लेकिन शज़ाम उसके पावर के बिना कुछ नहीं कर सकता, और वहीं पे हमारा आयरन मैन उसके सूट्स के बिना उसका दिमाग का यूज करके भी बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए यहाँ पे भी कॉम्बैट की बात करें तो टेक्निकली तो यहाँ पे शज़ाम जीतेगा, पर हम रियल लाइफ की बात करें तो वहाँ पर आयरन मैन जीतेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।